250 वर्ष पुराना मंदिर व खेती को दबंगई के बल पर हथियाने की कोशिश। नरवल तहसील के विपौसी ग्राम पंचायत के बगहा गांव में मां गंगा किनारे स्थित करीब 250 वर्ष पुराना श्री ठाकुर जी कुंज बिहारी राधा कृष्ण मंदिर स्थापित है। मंदिर में रह रहे राम मूरत पांडे ने बताया कि हमारे पूर्वज करीब 250 वर्षों से मंदिर में रहकर पूजा पाठ करके अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। मंदिर के हिस्से में लगभग 12 बीघे खेती जुड़ी हुई है जो हमारे पूर्वज 250 वर्षों से करते आ रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि आज से करीब 250 वर्ष पहले फतेहपुर के शिवराजपुर गांव के रहने वाले हरि प्रिया शरण और सर लालता शरण दो भाई थे जिनके संतान नहीं हो रही थी। तभी दोनों भाई पुजारी परमहंस जी के पास आए और परमहंस जी ने हमारे पूर्वज नाना जी थे, उन्होंने दोनों भाइयों को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। कुछ साल बाद हरि प्रिया शरण और सर लालता शरण के पुत्र प्राप्त हुए। इस खुशी में दोनों भाइयों ने श्री ठाकुर जी कुंज बिहारी राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी परमहंस को बुलाया और कहा कि इस मंदिर में आप सेवा करें, मंदिर और मंदिर से जुड़ी सारी जमीन आपकी है। और दोनों भाई बगहा गांव छोड़कर चले गए। फिर परमहंस इस मंदिर में रहकर सेवा करने लगे और तभी से हम लोग रह रहे हैं। लेकिन गांव व गांव के आसपास के कुछ अराजक लोग दबंगई के बल पर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत SDM नरवल को प्रार्थना पत्र देकर की। पीड़ित ने यह भी बताया कि मंदिर की जमीन का हिस्से का 18 बिस्वा उनके पूर्वजों के नाम है। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ओम प्रकाश पांडे। कौन सा गांव है? ग्राम बगहा। अच्छा, क्या मामला है? मामला जमीन का है जी। हमको परमहंस जी को दान में ये जमीन 250 वर्ष पहले मिली थी जी। जी उसके बाद हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीतती गई, चार पीढ़ी बीत चुकी है, पांचवी पीढ़ी में हम स्वयं हैं जी। जी तो अराजक तत्व द्वारा ये जमीन हम लोगों से जबरदस्ती छीनना चाहते हैं और धमकी देते हैं और आए दिन आते जाते हैं, रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं जी। अच्छा, मंदिर किस क्या नाम है मंदिर का? श्री राधा कृष्ण बिहारी ठाकुर जी। अच्छा, मंदिर के नाम है जी? मंदिर के नाम। कितने जमीन है? है 12 बीघा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पूर्वज कब से मतलब काम यहाँ लगे हैं? पूर्वज में परमहंस जी पहले रहे, उनको दान में ये मिली जी। इसके बाद राम शरण दास रहे, नाना हमारे, वो वहाँ निवास करते रहे। इसके बाद हमारे बाबा श्री राम मूरत पांडे रहे। इसके बाद गोपी शरण, रामासरे, शिव शरण पांडे, ये तीनों लोग इसको देख रहे हैं और हम लोग भी इसको देख रेख कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हर वक्त धमकी देते हैं। इसकी शिकायत आपने की? शिकायत तहसीलदार के यहाँ मैं गया था तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।